हर फ्रेंड में हूँ अरमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल गेनर। आज की इस वीडियो में मैं रियलमी C53 के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप रियलमी C53 मोबाइल लेने की सोच रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करता हूँ। ये है रियलमी C53 का बॉक्स और ये है बॉक्स का बैक साइड। यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं जिनके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करने वाला हूँ। और मेरे पास ये 6GB 64GB वाला वेरिएंट है और 4GB 128GB वेरिएंट भी आता है। अब मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मिल जाता है एक एनवेलप जिसमें मिल जाता है यूज़र मैनुअल और बैक केस कवर। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि बैक कवर मिल रहा है इस मोबाइल के साथ और सिम इजेक्टर टूल भी मिल जाता है। और यहाँ पर मिल जाता है मोबाइल जिसे फ़िलहाल के लिए कर देता हूँ साइड और देख लेता हूँ बॉक्स में और क्या क्या मिल जाता है। यहाँ पर मिल जाता है एक चार्जर जो कि 18 वाट का है और मिल जाता है टाइप सी केबल जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो अब कर लेता हूँ मोबाइल की बात। तो ये है मोबाइल का बैक साइड जो कि बना है पॉलीकार्बोनेट से और काफ़ी बढ़िया लुक मिल जाता है इस मोबाइल का। यहाँ ऊपर की साइड काफ़ी शाइनी है और बाकी नीचे मैट फिनिश टाइप है तो लुक के मामला में तो ये काफ़ी शानदार है। और ये मोबाइल है चैम्पियन गोल्ड कलर का और इसमें एक और कलर चैम्पियन ब्लैक भी आता है। तो यहाँ पर डुअल सेटअप है, हालांकि डिज़ाइन 3 की दी गई है, दो सेंसर है और एक फ्लैश लाइट दी गई है। ये सेटअप बिल्कुल आईफोन जैसा लग रहा है और यहाँ नीचे में रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। नीचे साइड की बात करूँ तो यहाँ पर मिल जाता है 3.5mm जैक, माइक, टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। लेफ़्ट साइड की बात करूँ तो यहाँ पर मिल जाता है सिम ट्रे जिसमें आप दो सिम के साथ SD कार्ड भी लगा सकते हैं। राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ पर मिल जाता है पावर बटन और इसी में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और मिल जाता है वॉल्यूम रॉकर। ऊपर साइड बिल्कुल प्लेन रखा गया है, नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं है। डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पर 6.74 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और 560 nits की पिक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इस फ़ोन में यूनिसॉक T612 चिपसेट यूज़ किया गया है। आजकल के काफ़ी बजट फ़ोन में यूज़ किया जा रहा है क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी होती है। LPDDR4X रैम सपोर्ट, eMMC 5.1 स्टोरेज सपोर्ट मिल जाता है इस मोबाइल में। मल्टीटास्किंग इसमें बिल्कुल सही मिल जाता है। सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो एंड्रॉयड 13 पर है। यहाँ रियलमी UIT एडिशन मिलता है और साथ में प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स मिल जाते हैं, हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, लेकिन आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। और इसमें जो यू शेप नोच है इसको मिनी कैप्सूल की तरह यूज़ किया है। अगर मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है 5% से नीचे या मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं और भी कई जगहों पर इसमें यू नोच मिनी कैप्सूल शेप में आ जाएगा। बैटरी की बात करूँ तो 5000mAh की बैटरी मिल जाती है इस मोबाइल में और बॉक्स में 18W का चार्जर मिल जाता है जिससे आप मोबाइल को अप्रॉक्स 2 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं। कैमरा की बात करूँ तो इसमें 108MP का प्राइमरी सेंसर और ब्लैक एंड वाइट सेंसर दिया गया है और फ्लैश लाइट दिया गया है। 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। बेजल्स की बात करूँ तो साइड की बेजल्स काफ़ी कम है जो कि देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन नीचे की बेजल्स थोड़ा ज़्यादा है। अब अगर ओवरऑल इस मोबाइल की बात करूँ तो आपको इस मोबाइल को लेने के बहुत सारे प्लस पॉइंट हो सकते हैं, जैसे 108MP कैमरा, यूनिसॉक T612 चिपसेट, 5000mAh की बैटरी, नोच में मिनी कैप्सूल, ये सभी चीज़ें इस मोबाइल में देखने को मिल जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को भी प्रेस कर दें नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स।